20-25 रुपए, मतलब 20-25 रुपए से 65 रुपए तक का भाव है दोनों वैरायटी में ना। ओके, मीडियम बिक रहा है 40 रुपए, मीडियम 40 रुपए हो गया आज। एक नंबर बिक रहा है 38 रुपए, 38 रुपए बिक भी नहीं रहा। ओके, इसका गाड़ी का ग्रेड आपने निकाल लिया तो अलग अलग हिसाब से आपने बेचे। एक नंबर के अलग पैसे, मीडियम के अलग, 3 नंबर का अलग, वजन भी पैसे भी, 4 नंबर का अलग। मैंने पूरा फुल वीडियो देखा, भाई ने लास्ट में बोला भाई दिल्ली का आर्थिक चोर है, तो मुझे बुरा लगा। मंडी वालों का जितना पैसा मरता है ना, किसी का नहीं। कोई किसान भाई इस चीज के लिए बोल रहा है कि आर्थिक रेट कम बताता बिकने के बाद, गलत हुआ। आप यहाँ पे आइए ना, आप यहाँ आइए, आप बिल बुक से लेके जाइए। हाँ, आप बिल बुक से पर्चा बनाइए एंड टू एंड अपने सामने। बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं में आता भाई। आड़तियों के घर गिर भी पड़े हैं मंडी बैंकों में। बिल्कुल बिल्कुल, आप अंदर खाने की किसी आड़ती से पूछ के तो देखना ना। दोस्तों, मैं 18 नंबर शेड में आ गया हूँ और किसी मेरे व्यूअर ने देसी अमरुद का ऊपर जानकारी चाहिए था, आज का क्या रेट है वो जान बोलने को बोला है, तो भाई आ गया हूँ और भैया जी बैठे हुए हैं। और देखो अभी है दोपहर का 1:30 बज रहे और 1:30 बजे क्या स्थिति है। तो नमस्ते भैया जी। तो भैया जी बताओ आज गाड़ी कितना था? 6 गाड़ी था। ओके, आज क्या रेट चल रहा है? गोल्डन अमरुद बिकी है 45-50 रुपए, 65 रुपए। और 30-40 रुपए। और हल्के माल? हल्के माल 20-25 रुपए, 20-25 रुपए, मतलब 20-25 रुपए से 65 रुपए तक का भाव है दोनों वैरायटी में ना। ओके ओके, और कितने माल होंगे मतलब पेटियों में, कितना के जी? 18-20 किलो, 18-20 किलो, मतलब 16 किलो तो माल मिलना ही मिलना है? नहीं, 17-18 किलो, 20 किलो मिलता ही है। ओके, तो थैंक यू भैया जी। तो गाइज, आपको आइडिया लग गया है, और मैं दिल्ली इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि आजकल 18 नंबर सेट बैंड होने वाला है मेरे से, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ जो बैंड हो जाए, आपको जानकारी अधूरा हो जाए, तो इसलिए बीच बीच में देते रहूँगा और बोलते रहिएगा। तो चलते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ 17 नंबर शेड में दोबारा इंटरव्यू लेने भैया जी का। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये माल्टा है, दो वैरायटी लग रहा है, ये बहुत ही चिकना है या हल्का सा कम, तो देखो भाई साइज देखो। और यहाँ पे चूरा और ये है 5 नंबर। तो चलिए भैया जी से पूछते हैं, आज 24 अक्टूबर 2024 और बृहस्पतिवार, तो भैया जी इधर है, कैसे हो भैया जी? और दोपहर के बाद आया हूँ और अभी देखो गाड़ियाँ खाली हो चली गई है ना, तो भैया जी बताओ कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताओ? मैं भी बढ़िया हूँ। तो ये बताओ बाजार कैसा चल रहा है सुबह से लेके? भाई बाजार डाउन है 2 दिन से। 2 दिन से डाउन है? ओके ओके, तो बाजार डाउन है कौन से साइड से? मतलब दुकानदारी नहीं है किसी भी। ओके, मतलब बिक्री कम हो रही है। ओके ओके, रेट पे वही है ना? ना, रेट में भी गिरावट? रेट में 5-4 रुपए की गिरावट। कौन से में? 3 नंबर में, मीडियम में। ओके ओके, 3 नंबर और मीडियम में। तो रेट बताओ, पहले गाड़ी कितना आया हुआ है? आज 25 गाड़ी माल्टा है, 25 मौसम में, 55 किलो। ओके, 55 किलो। ओके ओके, तो आपके पास जो गाड़ी आई हुई है ये कौन से एरिया का है माल्टा? ये मेरा पंजाब, पंजाब का माल्टा है। ओके, तो बताओ क्या रेट है? एक नंबर? एक नंबर तो इसका भाई कम ही बिकता, 35-36 रुपए। ओके ओके, मीडियम बिक रहा है 40 रुपए, मीडियम 40 रुपए हो गया आज। एक नंबर बिक रहा है 38 रुपए, 38 रुपए बिक भी नहीं रहा। ओके ओके ओके, और अपना 4 नंबर बिक रहा है 29-30-31, 31, और 5 नंबर बिक रहा है 20-25 रुपए। ओके ओके ओके, चूरा बिक रहा है 24-25 रुपए। ओके, पीला बिक रहा है 24-25। ओके, पीला। तो ये कौन सा साइज है ये दोनों? ये 4 नंबर है, वो 3 नंबर, 3 नंबर पे। तो ये दोनों ज्यादा सेलिंग है क्या? मैन यही निकलता है माल्टे में। okay. निकलता है ना 3 नंबर 4 नंबर ज्यादा। और मीडियम और 1 नंबर? ये थोड़ा कम निकलता है, कम निकलता है। ओके ओके, तो बढ़िया माल कब से आना, जो बढ़िया एकदम माल सब में एक जैसा? भाई सब में एक जैसा कभी नहीं आने, कभी नहीं आने। बढ़िया माल जाएगा तो वो भी बढ़िया हो, बढ़िया तो ये भी है, लेकिन चक्कर क्या है, दुकानदारी नहीं है क्योंकि लोग सेब बेच रहे जा रहे। ओके, सेब बेच रहे, बिल्कुल, तो और किसी चीज की दुकानदारी नहीं है। ओके ओके, सेब को छोड़ के। ओके, सेब में ही जा रहे, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि सेब सस्ता हो गया ना। ओके, अभी गिफ्ट पैकिंग चल रहा है बहुत ज्यादा भारी मात्रा में। तो भैया जी ये बताओ, आप लोग जो ये गाड़ी मंगवाते हो तो पर्ची कैसे देते हो किसानों को, जिस जो भी भाई लोग है? पर्ची, पर्चा बनता हो तो ऑफिस से? हाँ, कैसे बनता है थोड़ा आइडिया हमें? कंप्यूटर से बनता है। कंप्यूटर से बनता है, मान लीजिए आपने गाड़ी भेज दिया पूरा मिक्स गाड़ी, तो उसका गाड़ी का ग्रेड आपने निकाल लिया तो अलग अलग हिसाब से आपने बेचे। एक नंबर के अलग पैसे, मीडियम के अलग, 3 नंबर का अलग, वजन भी पैसे भी, 4 नंबर का अलग। ओके, सबका अलग।
ओके, सबका अलग अलग हिसाब से दिया जाता है। ओके ओके, नहीं मुझे भी कॉल आते हैं ना, मैं इसलिए पूछता हूँ जिसे जानकारी मुझे भी हो और आपको भी मिले और बाकी जो भाई लोग हैं देख रहे होंगे वीडियो, उनको भी नॉलेज हो जाए जो हाँ ऐसे रेट, यानी जो गाड़ी में जो है 35 रुपये का रेट लगा दिया या 20 रुपये का लगा दिया, पूरा गाड़ी बेच दिया तो उसी रेट में मिलता है या कुछ अलग है? नहीं नहीं, अपना वही रेट होता है। हाँ, जो रेट बिकता है उसी रेट का पर्चा बनता है। ओके ओके, उसी रेट का पर्चा बनता है। ओके ओके, तो ज्यादातर तो व्यापारी का ही माल आता है? व्यापारी का, यार 100% व्यापारी का अपना काम नहीं है। ओके ओके ओके, आपका तो नहीं, किसान तो आते ही नहीं है लेके ना? किसान हमारे बहुत भले, यकीन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रस्ट के बिना जीना नहीं, काम ही नहीं है कोई। तो भैया जी, कुछ बाहर के यूट्यूबर है जो दिल्ली मंडी को बोल रहे आरतिया चोर है, क्या रियल में ये बताओ भाई? इनसे बात है, जो दूसरे के बारे में राय रख रहा है उसकी सोच ही अपनी तरीके की होती है। ओके ओके, जो दूसरे के बारे में कोई राय रख रहा है ना, हाँ, वो खुद ऐसा है। ऐसा है नहीं, कोई यूट्यूबर बोल नहीं रहा है इसके ऊपर, मगर मैं ही बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो दिखाई दिया, मैंने पूरा फुल वीडियो देखा, भाई ने लास्ट में बोला भाई दिल्ली का आरती चोर है, तो मुझे बुरा लगा। मंडी वालों का जितना पैसा मरता है ना, हाँ, किसी का नहीं मरता। हाँ, यही चीज में मंडी की आरती चोर है तो इसे की सबसे बड़ी मंडी कैसे बनी पड़ी है दिल्ली में? वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो चीज है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर पैसा इनका आप लोगों का कितना मारा जाता है, इतना कहीं भी मारा जाता, कहीं नहीं मारा जाता, सही बात है या नहीं है? मगर कोई इन पे बात नहीं करता, लोग बस रेट लेके भाग जाते हैं बस। सामने वालों को ये दिखता कि फड़ पे माल आ रहा है, इसे इतने रुपए बच रहे होंगे। हाँ, सामने वाले इन देख रहे हैं इसे कितने रुपए मर रहे होंगे इस गाड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई आरती नहीं है जो पैसे नहीं मरे होंगे। तो सभी किसान भाई लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ, दिल्ली के आरती के जितने करोड़ रुपए गए होंगे, इतने तो आपके घर के भी नहीं बिके होंगे ना, माल नहीं बिके होंगे, ये बात सही बात है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ, किसी ने अपना घर गिरवी रख रखा, बैंक से लोन ले रखा है, इन्हें एडवांस दे रहे किसानों को। ओके, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ, बहरहाल ये सब काम जो होता है ना, ज्यादातर एडवांस बैंकों से लोन लेके होता है। हाँ, ज्यादातर आड़तियों के पास जब पैसा ही उनका मारा जा रहा, तो आड़तियों का पैसा कहाँ बचेगा? बिल्कुल बिल्कुल, दाल रोटी कमा रहे हैं। बिल्कुल, कई कई लाख रुपए लेके भी भाग रहे आजकल, मैं प्याज में गया, आलू में गया, हर ट्रेड में भाग रहे, मगर कोई इनके ऊपर बातचीत नहीं करता, मगर करना चाहिए, तभी तो लोगों को नॉलेज हो जो दिल्ली एशिया के सबसे बड़ी मंडी में क्या हो रहा है, आजादपुर मंडी में क्या हो रहा है ना। तो लोग तो खाली रेट लेते हैं, रेट लेने का सबसे ये भी तो बताओ भाई, यहाँ से पैसे मारे जाते हैं जो कुछ किसान लोग मतलब आ जाते हैं, बोलते हैं नहीं, किसानों को किसान भाई केस कर देते हैं, रेट कम होते हैं या कम बताते हैं, क्यों कम बताते हैं, कहाँ इनका पैसा लग रहा है? नहीं, वो किसान को मुकालता है। हाँ, अगर कोई किसान भाई इस चीज के लिए बोल रहा है कि आड़ती रेट कम बताता, हाँ, बिकने के बाद गलत हुआ। आप यहाँ पे आइए ना, आप यहाँ आइए, आप बिल बुक से लेके जाइए। हाँ, आप बिल बुक से पर्चा बनाइए एंड टू एंड अपने सामने। बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो ज्यादातर तो 70% तो बढ़िया जायज काम करते हैं, 1-2% निकल जाए तो निकल जाए, वो कह नहीं सकते। दिल्ली मंडी का आड़ती नहीं है, वो किराए पे किसी के साथ लाइसेंस ले रखा होगा, किराए पे काम कर रहा होगा, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है। ओके ओके, दिल्ली मंडी का आड़ती फ्रॉड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता किसी भी ट्रेड में हो। ओके ओके ओके, जिसकी अपनी दुकान है वो गलत नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जो किराए पे है या एक गाड़ी किराए पे मंगा लेते हैं, दूसरों के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, वो लोग करते हैं। ओके ओके, आरती नहीं करता, जेन्युइन आरती ये काम नहीं करने। ओके, जेन्युइन आरती नहीं करेगा। ओके ओके, नहीं पे बात होना चाहिए ना लोग तो खाली। बढ़िया बात है, अगर आपने इस बात का जिक्र करा तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि करते नहीं है ना, हमें ना देखा ही नहीं आज तक किसी भी ने भी बताया। साइड से किसान भाई भी ऐसे नहीं है, और आड़ती भी ऐसे नहीं है। okay, ये वो लोग है जो बीच के होते हैं ना, जिन्हें किसान या आड़ती बनने का शौक होता है, ये वो लोग करते हैं। ओके ओके ओके, मतलब कुछ व्यापारी भी ऐसा कर सकते हैं ना, वो प्रॉपर व्यापारी नहीं होते। ओके, प्रॉपर व्यापारी होते ही नहीं है। ओके ओके ओके, बिल्कुल। ओके ना, आप लोग का भी मैंने कहा तरबूज मंडी में भी कई कई लाख रुपए करोड़ रुपए लेके भागे हुए हैं, कुछ लोग सुनने में आता है भाई, आड़तियों के घर गिर भी पड़े हैं मंडी बैंकों में। बिल्कुल बिल्कुल, आप अंदर खाने की किसी आड़ती से पूछ के तो देखना ना, दिल की तभी तो पता चल रहा है ना मुझे, मुझे कहाँ से पता चल रहा है? मैं कह नहीं रहा सामने वालों की नजर आता है ये इतने बचा रहा है, सामने वालों को ये नजर नहीं आ रहा कि इसका कितना मर रहा है। बिल्कुल, ये क्या रिस्क ले रहा है? बिल्कुल, जिसका साले का अपना मकान नहीं होता, बैंक से उसे 10 रुपए का चीज उधार नहीं मिल सकती, उस आदमी को 10-10 लाख का माल दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल, जवान के ऊपर, जवान के ऊपर। तो गाइस देखो, बहुत ही भैया ने अच्छा जानकारी दे दिया है, अगर आपको अच्छा लगा और आप लोगों को जरा सी भी मतलब लगा जो नहीं भैया ने सच बोला है, तो वीडियो को शेयर करें, सभी आरतियों के पास पहुंचे
जो भी यूट्यूबर लोग बोलते हैं जो पीछे पीछे हाँ दिल्ली का आरती चोर है, वैसा लोगों को जवाब पहुंच जाए जो यहाँ पे आके देखे। अगर किसी की सोच ऐसी है ना हाँ। तो भाई वो खुद ऐसा है हाँ। इसलिए वो सामने वाले के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। नवरा मैं तो बोलूंगा कि आप आइए देखिए, इनसे बात करिए देखिए, तब तो पता चलेगा जो कितना रुपए उधारी जा रहा है। तो नहीं, अगर आपको शक है आप अपने सामने बिकवाइए, एंट्री कीजिए। बिल्कुल, आड़तियों को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जी कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, 9540739742। ओके, तो दिए गए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद भैया जी।